नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं परफेक्ट जीकेएम के बारे में। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान गोल कैमरा एजीसी 8.4 के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इस जीकेएम के साथ जो है क्या क्या फीचर को ऐड किया गया है, प्लस पर जो है इस जीकेएम के साथ जो है क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, बेसिकली इस गोल कैमरा का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर जीकेएम एजीसी 8.4 के साथ जो है ढेर सारे ऑप्शंस को ऐड किया गया है, फिर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, प्लस पर जो है लाइका का जो वाटरमार्क है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। प्लस पर जो है काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस जीकेएम के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर इस जीकेएम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिलेगा, वहां पर जाकर इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करके आपके डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करके ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro एंड Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर इस जीकेएम को इंस्टॉल किया है। Android 13 के साथ ये जो जीकेएम का कैपेबिलिटी काम कर जाएगा, प्लस पर Android 12, Android 11, Android 10 के साथ भी ये जो जीकेएम का कैपेबिलिटी काम करता है। कुछ इस तरह से इस गोल कैमरा के साथ UI देने को मिल जाएगा, प्लस पर जो है इस जीकेएम के साथ काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। फोटो के ऊपर जो डिटेलिंग है काफी बढ़िया है, पर सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, प्लस जो सैचुरेशन जो है पर ज्यादा देने को नहीं मिलेगा, पर काफी बढ़िया यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलता है जीकेएम एजीसी 8.4 के साथ। यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल है इस जीकेएम के साथ। सबसे पहले यहाँ पर जो लाइका लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस जीकेएम के साथ। जब लाइका लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा आप जो है, यहाँ पर लाइका का जो वाटरमार्क है इसे आप इनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। फिर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है यहाँ पर इस जीकेएम के साथ, जब टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, प्लस से बच्चे जूम लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। अगर आपके डिवाइस के ऊपर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है तो इस जीकेएम के साथ जब मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जो है मल्टीपल लेंस का जो सपोर्ट होना चाहिए, प्लस ए जो जीकेएम का जो बिल्ड है गूगल कैमरा 8.4 के ऊपर बेस कर तैयार किया गया है। पर मोनेंट यूआई का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड्रॉइड 12 Android 13 के साथ जो पर मोनेंट UI का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। स्लो मोशन टाइम लैप्स का ऑप्शन है, प्लस पैनोरामा फोटो स्पेयर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड के साथ भी आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, प्लस पर नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है दोस्तों, इस बिल्ड के साथ जो पर नाइट साइड मोड के ऊपर प्लस एस्ट्रो मोड, एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड के साथ जो है काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। डिफरेंटली अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड के साथ जो है पर फोटो को क्लिक करते हो तो डिफरेंटली आप जो है पर ट्राइपॉड यूज कर सकते हो, प्लस पर जो फोटो क्वालिटी इस जीकेएम के साथ काफी बढ़िया है, पर सोशल मीडिया रेडी फोटो देने को मिल जाएगा। प्लस ढेर सारी सेटिंग्स को ऐड किया गया है, ढेर सारी सेटिंग्स के साथ जो आप अलग अलग सेटिंग्स को जो है पर चेंज कर सकते हो, पर जो है मैनुअल कंट्रोल को ऐड किया गया है इस जीकेएम के साथ। या पर पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों के साथ जो है पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। एंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करते हैं इसे भी ऐड किया गया है। प्लस पर जो है सिंपली पर वॉल्यूम बटन को एज ए शटर बटन की तरह यूज कर सकते हो, सिंपली पर वॉल्यूम बटन के साथ जो पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। प्लस पर जो है वॉल्यूम बटन के साथ जो पर फोटो को क्लिक करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर सिंपली वॉल्यूम बटन के साथ जो फोटो को क्लिक कर सकते हो, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन के साथ वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, पर वॉल्यूम बटन को एज ए शटर बटन की तरह यूज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिंपली डबल टैप करके जूम कर सकते हो। बच्चे 10x तक जूम का ऑप्शन है, या पर वीडियो के साथ जो है 7x तक जूम का जो ऑप्शन देने को मिलेगा। या पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है बाय डिफॉल्ट या पर 6.6x तक जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर नाइट साइड मोड के साथ जो है 10x एंड पर जो एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। इसके साथ जो ब्राइटनेस एंड शेडो को कंट्रोल कर सकते हो, पर ऑटो फोकस को लॉक करने का जो ऑप्शन है ऐड नहीं किया गया है एजीसी 8.4 के साथ। एंड पर ओवरऑल जो फोटो क्वालिटी है काफी बढ़िया है, कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा, ज्यादा सैचुरेटेड फोटो देने को नहीं मिलेगा। या पर लाइका लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, अलग अलग वाटरमार्क को सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस जीकेएम के साथ, काफी बढ़िया बात है। डिफरेंटली ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है तो यहाँ पर शामी, रेडमी, पोको, एमआई, शाम, यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, आईक्यू, ऐसे डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा। यहाँ पर स्नैपड्रैगन डिवाइस के साथ साथ जो ये जो गूगल कैमरा एजीसी 8.4 का जो बिल्ड है तो यहाँ पर मीडियाटेक डिवाइस के साथ भी काम करते, काफी बढ़िया बात है। प्लस एक्सिनोस डिवाइस के साथ भी काम कर सकते, डेफिनेटली आपके फोन के ऊपर
डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ट्राई करके देखो, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें बस सेटिंग्स मेन्यू के बारे में, बचे सेटिंग्स मेन्यू के ऊपर जो एसी ऑप्शन को ऐड किया गया है, लेंस सेटिंग्स का ऑप्शन है, या बड़ी सर्जिकल के साथ ही पर लेंस सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। लेंस सेटिंग्स के साथ जो है मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, या पर मेन लेंस वाइड एंगल लेंस प्लस या पर जो है फ्रंट लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। मेन लेंस के ऊपर जो ए सेवे ऑप्शन है, या पर जो है एपर्चर को आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर इमेज प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर जो है फोटो का जो क्वालिटी उसे इंप्रूव करने का ऑप्शन है। प्लस बच्चे डिवाइस इंटरफेस के ऊपर पिक्सल 4 XL, पिक्सल 4A, पिक्सल 5, पिक्सल 5A, पिक्सल 6, पिक्सल 6 Pro, पिक्सल 7 का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पिक्सल 7 का जो डिवाइस इंटरफेस है उसे इनेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस HDR मॉडल का ऑप्शन है, पर जो पिक्सल 6, पिक्सल 6 Pro की तरह जो पर फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। HDR मॉडल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ये बट सस्ता फैक्टर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर नॉइस रिडक्शन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। फोटो के ऊपर जो नॉइस होता है उसे रिड्यूस करने का ऑप्शन है, एंड पर HDR फ्रेम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आप HDR फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलेगा, बट फोटो सेव होने में टाइम लगेगा। प्लस पर जो है ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, नॉइस मॉडल का ऑप्शन है, या पर ऑटो एड बैलेंस के ऊपर पिक्सल 3, पिक्सल 3A, पिक्सल 4, पिक्सल 5, पिक्सल 6 का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इसी भी ऑप्शन से। पर ऑटो एडवेंस के साथ जो ऐसे ऑप्शंस को ऐड किया गया है, रेडमी नोट 7 का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है ऑटो एडवेंस के ऊपर। नॉइस मॉडल की अगर बात करें तो वो एक बार नॉइस मॉडल के ऊपर से MI10 अल्ट्रा, MI11 अल्ट्रा, Samsung S20 FE एंड यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, पिक्सल 6 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो, Samsung S20 प्लस, OnePlus 9 प्रो, OnePlus 8 प्रो, रेडमी नोट 7, ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है नॉइस मॉडल के ऊपर। काफी बढ़िया बात है, ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर इस जीकैम के साथ जहाँ पर अपस्क्रीन फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बेसिकली अगर आपका डिवाइस स्कोर 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल का सपोर्ट है, तो यहाँ पर इस जीकैम के साथ जहाँ पर 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, पर अपस्क्रीन फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस गोल कैमरा के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस जीकैम के साथ। प्लस पर जो है वाटरमार्क का ऑप्शन है, पर लाइका का जो वाटरमार्क है ऐड किया गया है। इसके अलावा भी ढेर सारी वाटरमार्क का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है लाइका लेंस का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है लाइका का जो वाटरमार्क है इसे भी ऐड किया गया है इस गोल कैमरा के साथ, काफी बढ़िया बात है। ढेर सारी ऑप्शन अवेलेबल है इस जीकैम के साथ, तो यहाँ पर जो है ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है कैमरा सेटिंग्स के ऊपर, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर बात कर लेते हैं एडवांस फीचर के बारे में, बच्चे एडवांस फीचर की अगर बात करें, HDR कंट्रोल का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट HDR कंट्रोल एंड रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से एनेबल नहीं रहता है। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। प्लस पर जो है ऑटो नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड एंड कैमरा के साथ जो है ऑटो नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर टॉप शॉट का ऑप्शन है, बेसिकली मोशन फोटोज और लाइव फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। DCI-P3 कार्ड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है जीकैम एजेस 884 के साथ। या पर इस गोल कैमरा के साथ जो है पर OIS का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर OIS का सपोर्ट है तो इस जीकैम के साथ जो पर OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। टाइमर लाइट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस पर जो है GPG क्वालिटी को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। डिजेबल पोर्ट्रेट जूम का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम होते हैं उसे डिजेबल करने के लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है एडवांस सेटिंग्स के ऊपर। प्लस यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर जो है डिजेबल हेक्सागन DSP का ऑप्शन है, इसके साथ जो है HDR प्रोसेसिंग जो है और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है ब्यूटी मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर सैमसंग का जो लाइव HDR मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है शो एपर्चर बटन का ऑप्शन है, पर सैमसंग डिवाइस के लिए जो एपर्चर बटन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या पर एपर्चर बटन जो है 5 यहाँ पर जो है एपर्चर बटन को स्विच करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इफ 1.5 से इफ 2.4 तक जो है एपर्चर बटन को सेलेक्ट कर सकते हो, इसलिए ऐड किया गया है। यही अभी फिलहाल सैमसंग डिवाइस के साथ काम करता है, तो यहाँ पर ये जो जीकैम का जो बिल्ड है तो सैमसंग डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा, इसलिए ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो है डेवलपर सीरीज को ऐड किया गया है। डेवलपर सीरीज के साथ जो नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो, किस तरह से डेवलपर सीरीज के साथ नया नया फीचर को एनेबल करते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देखो,
बार ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वीडियो के बैकग्राउंड के ऊपर जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा जूम करने के बाद। या पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन है। वीडियो बिटरेट के ऊपर जो है 120 MBPS तक जो वीडियो का जो बिटरेट है उसे इंक्रीज करने का ऑप्शन है। सेफ सेल्फी साइज प्रीव्यू का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर फोकस स्लाइडर का ऑप्शन है। ISO स्लाइडर को ऐड किया गया है, पर वाइट बैलेंस का ऑप्शन है। ग्रिड टाइप का ऑप्शन है। फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है। डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर गेस्चर्स का ऑप्शन है। सोशल शेयर कैमरा साउंड सेफ लोकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है इस गूगल कैमरा AGC 8.4 के साथ। काफी बढ़िया बात है। या पर इस GCam के साथ जो ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है, ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल है, पर मैनुअल मोड को ऐड किया गया है इस GCam के साथ। एनी वे आप जरूर से इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर चेक, अलग अलग GCam का जो वीडियो है उसे आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।